नमस्कार दोस्तों, बोरेक्स नाम की दवा होम्योपैथी में काफी ज्यादा यूज होने वाली है डे टू डे प्रैक्टिस में। आज जानेंगे इसके 5 ऐसे सिम्टम जो कि आपको मैक्सिमम केस में सफलता देंगे। आउट ऑफ 10 में से 10 रिजल्ट आपको मिलेगा और जानेंगे लास्ट में एक बोनस सिम्टम जो कि आपको बोरेक्स की हर समस्या में मिल सकती है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिया उसे दबा दें, जिससे जब भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, बोरेक्स का जो बेसिक सिम्टम है वो है थोड़ा डीजनरेशन। डीजनरेशन सबसे पहला आप देख सकते हैं आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर। जब भी आपको कोई पेशेंट मुंह में छालों का या एप्थस का मिलता है तो बहुत सारी दवाएं हैं, बट सबसे पहली जो दवा आपके दिमाग में आनी चाहिए बेसिक मुंह में छालों के लिए, या एप्थस अल्सर आप कह सकते हैं या माउथ अल्सर कह सकते हैं, यहां तक कि स्टोमेटाइटिस की एक कंडीशन होती है, मुंह में स्वेलिंग हो जाती है, अगर उसमें भी अगर आपके अंदर रेडनेस आ रही है तो दोस्तों आप बोरेक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लगातार कुछ दिन आप चलाएंगे, आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपके जो मुंह के छाल है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट एडिशनल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया कि जब मुंह में छाले निकल आते हैं तो लोग बीकासूल की कैप्सूल खाते हैं। बीकासूल एक मल्टी विटामिन होती है जो कि विटामिन बी से रिच होती है। दोस्तों, बीकासूल में जो विटामिन पाई जाती है वो हमारे शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह से शुरू होकर ये जो पहली सतह है नीचे तक हमारे मल द्वार गुदा मार्ग तक जाती है, इसको मेंटेन करने में मल्टी विटामिन का स्पेशली विटामिन बी का बहुत अच्छा रोल होता है। तो कई पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि जब मुंह में छाले निकले तो वो विटामिन B12 या बीकासूल की कैप्सूल का सेवन करें और हफ्ते भर के सेवन से उन्हें अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन की बहुत अच्छी रिपेयर मिल जाती है। तो साथ ही साथ दवा का सेवन करें बोरेक्स का, और अगर ये बार बार आपके साथ होता है तो मल्टीविटामिन का भी सेवन बीच में करते रहे। तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेंगे, आप देखेंगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, मेल या फीमेल्स में बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपको प्राइवेट एरिया में अल्सर टाइप के मिल जाते, छोटे छोटे छाले जैसे कंप्लेन मिल जाती है और वो छाले फूट से गए, ओपन अल्सर अगर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, और ये अक्सर ही आपको दिखेंगे, फीमेल्स में इन्फेक्शन काफी होता है दोस्तों, तो इस केस में भी आपको आप चाहे तो थोड़ी सी पोटेंसी ज्यादा कर लें 200 पावर में सुबह शाम 2 से 3 दिन मात्र में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा प्राइवेट पार्ट में होने वाले अल्सर या एप्थस आप कह सकते हैं छालों के केस में। फीमेल्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या दोस्तों ल्यूकोरिया, अगर व्हाइट डिस्चार्ज किसी को हो रहा है और नेचर ऑफ व्हाइट डिस्चार्ज है वो थिक एग लाइक एल्ब्यूमिन, व्हाइट जो एग का जो व्हाइट पोर्शन है उस तरह, और वार्मनेस एक अलग सी फील होती है, पेशेंट ये कंप्लेन करेगा, या आप अगर क्रॉस चेक करेंगे कि क्या व्हाइट डिस्चार्ज का जो नेचर वो थोड़ा हॉट लगता है, आपको महसूस होता है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, तो पेशेंट हाँ बोलेगा। तो ये ग्लूटिनस नेचर अगर आपको एग की तरह मिल जाता है और थोड़ा सा व्हाइटिश थोड़ा सा वार्म नेचर मिल जाता है, तो ये दो नेचर पे ही आप सुबह शाम करके बोरेक्स देंगे और आप देखेंगे काफी अच्छा रिजल्ट आपको व्हाइट डिस्चार्ज के केस में मिल जाएगा। दो चीजें याद रखनी है, वार्म्थ गर्म और दूसरा एग व्हाइट का नेचर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बहुत ही सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे स्पेशली फीमेल जिनके बाल टेंगल्ड हो जाते हैं, या बड़े मेल्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बाल रखते हैं, तो बाल अगर आपके बहुत ज्यादा टिप वाले एरिया से टेंगल्ड हो जाते हैं, दो मुहे के हो जाते हैं, बार बार चिपक से जाते हैं, बार बार आपको कॉम्ब करना पड़ता है, तो आप बोरेक्स को लॉन्ग टर्म के लिए 30 पोटेंसी में सुबह शाम लगभग 1 महीने सेवन करके देखें, जो रूट से फिर से नए हेयर की ग्रोथ होगी वो आपकी काफी ज्यादा मजबूत होगी, और जो टिप आपके बार बार दो मुहे हो जाते थे या बार बार बालों में से एक दूसरे से चिपक के टूटने लगते थे वो नहीं होगा। तो फ्राउजी और टेंगल्ड हेयर के लिए भी ये एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसी तरह दोस्तों, बच्चों में या बड़ों में, बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है कि सुबह सोकर उठने पर ये जो पलके हैं वो ग्लूटिनस हो जाते हैं, चिपक सी जाती है, ऐसा लगता है कि आंख से पानी निकला, और रात में आंखों की जो पलके हैं वो एक दूसरे से चिपक सी जाती है। तो अगर ये नेचर आपको मिल रहा है पेशेंट में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 200 पोटेंसी में सुबह शाम लगातार कुछ दिन अगर आप देंगे तो आप देखेंगे जो एक ग्लूटिनेशन हो रहा था पेशेंट की आंखों का ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, फीमेल में 2 सिम्टम मिल गए हम लोगों को, एक तो प्राइवेट एरिया में होने वाले अल्सर और ल्यूकोरिया, बहुत अच्छी दवा है, और ओवरऑल एक बहुत अच्छा सिम्टम मिला एप्थस का, अगर मुंह में आपको छाले निकल आते हैं तो वहां भी दे सकते हैं। 2 हेयर से संबंधित मिले, एक तो आपकी पलके अगर बार बार सुबह उठकर उठते हैं तो चिपक जाती है, इसमें भी यूज कर सकते हैं, दूसरा आपके जो बाल है मेन वो अगर ऊपर से
टिप वाला एरिया जो बार बार टैंगल्ड हो जाता है, चिपक जाता है, तो भी आप इसे लंबे समय तक, एक महीने तक यूज करें और काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। एक लास्ट बोनस सिम्टम दोस्तों, बोरेक्स का जो पेशेंट है बहुत ही विशेष होता है, जब वो नीचे की तरफ मोशन करता है, डाउनवर्ड मोशन, सीढ़ियां उतरनी हो या किसी स्लोप से नीचे आना हो या पहाड़ से नीचे की तरफ आना, तो जो डाउनवर्ड मोशन है सीढ़ी से नीचे उतरते समय पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, पेशेंट को डर सा लगता है, तो बोरेक्स देते समय एक सिम्टम आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आपको सीढ़ियां उतरते समय या डाउनवर्ड मोशन में कुछ दिक्कत महसूस होती है। अगर पेशेंट हाँ बोलता है तो आपकी ये मेडिसिन और कंफर्म हो जाएगी, आप इसे और अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए जानकारी युक्त रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।